वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इसके केदारनाथ बॉय। चलो आज हम एक नए व्लॉग की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और मुझे पता है व्लॉग काफी दिनों बाद आ रहा है, आप लोग काफी डिसअपॉइंट हो मेरे से कि आप रोज क्यों नहीं व्लॉग डालते हो। चलो मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में मैं रोज व्लॉग डालूं। तो चलो टाइम हो चुके हैं अभी 4 और हमने 5 बजे तक यहाँ पे व्लॉग की शूटिंग होनी है, वहां पे पहुंचना है और टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड है, अभी मैंने तैयार होना है। चलो मैं आपको मिलता हूँ तैयार होके अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। एक्चुअली टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी मेरे पास तो इसलिए मैं आपको आगे का दिखा नहीं पाया। तो अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, लगभग 5 बज चुके हैं और यहाँ का आपको व्यू दिखाते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आया हूँ यहाँ पे क्या हूँ और किस लोकेशन पे हूँ। तो मैं इस वक्त द्रेसी ग्राउंड में खड़ा हूँ, यहाँ पे 3री रथ यात्रा निकल रही है जो महाशिवरात्रि की है। तो यहाँ पे रथ यात्रा का हमें इन्विटेशन मिला था तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। चलो मैं आगे आपको और दिखाता हूँ पूरे नज़ारे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दर्शन तो अभी ये महाकाल जी को हम अपना बोगी में बिठाएंगे और आगे विवेकधाम मंदिर के लिए लेके जाएंगे। देव बाबा भोलेनाथ जी अपने रथ पे हम विराजमान होने जा रहे हैं। यात्रा स्टार्ट हो गई है और ये सभी मेंबर हैं जो यात्रा को स्टार्ट करने के लिए हरी झंडी दे दी है। तो ये Thank you.
7:42 हो चुके हैं फाइनली, अब दिखना शुरू हो गए हैं। ये पहली गाड़ी आ रही है पुलिस की, तो चलो अब नूर वाला रोड पे एंटर हो गए। अब आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये यात्रा को यहीं पे समाप्त होने पे। चलो अब यहाँ से हम उनके साथ ज्वाइन करते हैं, तो आगे की जो भी है अपना झांकी है वो आपको दोबारा से दिखाते हैं। आशीर्वाद हम लोग लेने आए हैं महाराज जी का, आप प्रथम यात्रा का
ना ये रथ यात्रा बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म होने के मोड़ पे है, बट मुझे ना एक में एक झांकी थी, मतलब डांडिया ग्रुप के बंदे थे वो, उनका ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब जैसे वो डांडिया कर रहे थे उनका बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया डांडिया का, मतलब देख के मैं आपसे उनसे मिलवाना चाहता हूँ। हाँ सर, थोड़ा नाम की है जी? बिट्टू कुमार जी। भैया बिट्टू कुमार जी का डांडिया ग्रुप है जी, इन्ना का मतलब ना इन्ना वधिया मतलब माहौल इन्होंने बना के रखा, मतलब मैं एक मिनट भी नज़र नहीं हटा सकिया इन्ना के ग्रुप तो। सर अपना थोड़ा नंबर की है जी? 78 37 60 43 77। ठीक है जी, अगर किसी ने बुकिंग करानी हो तो अपना आप बुकिंग करवा सकते हो। दूसरा नंबर देना है जी? दूसरा। एक नंबर इनका हो रहा है तो अपना आप नंबर। मेरा नंबर हैगा जी 80 54 35 46। आपने अगर इनके किसी ने भी बुकिंग करानी हो वीडियो देख के आपको इनका डांडिया ग्रुप अच्छा लगा हो तो आप इनको ही बुकिंग करवा सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपना डांडिया करते हैं, आप कोई भी किसी तरह के फंक्शन पे भी इनका डांडिया का ये प्रोग्राम बुक करा सकते हैं। जय शंकर। को एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, उसका रीज़न ये है ये अपना पालकी की सेवा करते हैं, और अपना देसी से यहाँ तक 5-6 घंटे लगे हुए पहुँचते, उन्होंने नंगे पैर पालकी में उन्होंने सेवा की है, और बहुत ही ज़्यादा दिल के अच्छे और काफ़ी मतलब सॉफ्ट माइंडेड इंसान है, तो हम आपसे मिलाते हैं, रूप कराते हैं लक्की शर्मा जी। लक्की जी, आपकी ये सेवा देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया, आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो सत्य सनातन धर्म की जय, भगवान शंकर की जय। ये सेवा का जो भाव है ये हम कर नहीं सकते, उसकी आज्ञा होती है तभी करते हैं, उसका हर साल हमें मिलता है ये मौका सेवा करने के लिए, और दिल जान से जो कर सकते हैं वो करते हैं, ये उसी का आशीर्वाद है, ये किसी किसी को मिलता है, जो मेरे सौभाग्य अच्छा है कि मेरे को ये सेवा करने का मौका मिलता है। हम आपको ना एक ऐसी ही हो फंडे जिससे मिलाते हैं, जिन जो ना अपना दृष्टि से लेके यहाँ तक बिल्कुल अपना रथ पे उनके साथ ही रहे महादेवी के साथ, और मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उनको, चलो हम उनसे ही आपको मिलाते हैं। बनवारी ला आगे के वचन इनसे ही सुनते हैं। हर हर महादेव। आप सभी को शिव विवेक जागृति मिशन एवं शिव महाकाल सेवा समिति की तरफ से हार्दिक बधाई, और मेरी ओर से भी हार्दिक बधाई। यह प्रथम शोभा यात्रा आनंदमय मंगलदायक समस्त प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, क्योंकि कहते हैं महादेव के उत्सव में आगे चलेंगे तो महादेव आपका कल्याण करेंगे, और खूब आनंद की वर्षा होती है लुधियाना क्षेत्र में दरेशी ग्राउंड से और शिवेक धाम मंदिर तक यह शोभा यात्रा आई, और हमारे केदारनाथ बॉय चैनल के भाई साहब बड़े ही आनंद के साथ उन्होंने इसका कवरेज किया, बहुत अच्छा लगा, और इनका यह सहर्ष प्रेम देखकर हमको बहुत प्रेम भावना के साथ हम कहते हैं कि कभी भी हमारी कोई आवश्यकता सनातन धर्म के लिए हो तो हम आगे हैं, और सनातन धर्म के कार्यों में श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राम कथा एवं श्री महापुराण शिव महापुराण के लिए एवं समस्त वैदिक अनुष्ठानों का कार्य भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से और श्री राधा रानी की असीम अनुकंपा से बड़ी निष्ठा के साथ, और सनातन धर्म का ही हम आगे रखते हुए, क्योंकि हम ब्राह्मणों का एक उद्देश्य है सनातन धर्म जगता रहे, और यह एक बड़ा ही शोभा यात्रा के माध्यम से आप सभी ने कल्याणकारी मार्ग में आगे आकर सनातन धर्म को अग्रसित किया है, और इस धर्म के कार्य के लिए आप सभी का हृदय से साधुवाद। मेरा संपर्क सूत्र 6280511011। पंडित बनवारी लाल शास्त्री, श्री विवेक धाम मंदिर, नूरवाला रोड, लुधियाना, और श्री धाम बरसाना वाले निज स्थान श्री धाम बरसाने वाले समस्त भारतवासियों के लिए यह गौरव की बात है कि हमारे लुधियाना क्षेत्र में प्रथम बार श्री नूर विवेक धाम मंदिर में समस्त भारतवासियों के लिए यह बड़े हर्ष का विषय है कि महादेव की यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई लुधियाना क्षेत्र में, और नूरवाला रोड पर प्रथम बार यह ऐसी दिव्य शोभा का आयोजन हुआ। श्री महाकाल सेवा समिति को हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, बोल शंकर भगवान की जय।
अब ये ना कि कुछ दिन उज्जैन के महाराज भोलेनाथ जी रहेंगे और उसके बाद इन फिर दोबारा से उज्जैन चले जाएंगे। और आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ज़्यादा मजा आया, बहुत ज़्यादा एडवेंचर किया। और चलो अब इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, जय हो श्री। Oh, the kutte! Oh, the kutte! Oh, the kutte!